मानव यादव हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मानव, निश्चित तौर पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू तामील कर दिया गया है मुंबई और दिल्ली दोनों ही जगहों पर। दिल्ली में आप मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि भाई कोरोना वायरस का संक्रमण अब कम हो गया है तो हम बाहर निकल सकते हैं। क्या गाइडलाइन है जरा तफसील से बता दीजिए उनके लिए। समीर, देखिए अभी लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन इस बात को लेके है कि क्या अगर नाइट कर्फ्यू लग जाएगा तो हम घर से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। तो इसमें हम लोगों को जानकारी ये दे दें कि 11 बजे कर्फ्यू लगेगा तो आप अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट जो ट्रैवल है वो कर पाएंगे, अपने दिल्ली में कहीं भी आप चल फिर पाएंगे। हाँ। लेकिन आप कहीं भी 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके साथ साथ आप अपने घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं, फिर पब्लिक प्लेसेस को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है। और इसके अलावा खास जानकारी ये है कि जो लाइसेंस परिसर है जहाँ पर पहले से लाइसेंस के तहत या कोविड की गाइडलाइंस के तहत जहाँ पर जो बार्स हैं कैफेज हैं वो खुले हुए हैं तो वो खुले रहेंगे। जो लाइसेंस परिसर है प्रीमिसेस हैं उनको इसके दायरे में नहीं रखा गया है, वो इससे अलग रहेंगे। इसके साथ साथ अभी दोपहर के समय में दिल्ली पुलिस की तरफ से और जो जानकारी है वो अच्छे से दी जाएगी, क्योंकि ये कल देर रात आया है और अभी दिल्ली पुलिस को सुबह मिला है तो आने वाले समय में इस पर और अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। लेकिन लोगों को इस बात को लेकर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। घर से बाहर भी निकल सकते हैं लेकिन कहीं भी 5 से ज़्यादा की संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि कोविड की वजह से कहीं भीड़ ना लगे, इसलिए DDM की तरफ से गाइडलाइन समिति जारी की गई है। बिल्कुल, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है हम सबको। हम रुख करें गोविंद का, उससे पहले हमारे जो खास मेहमान इस वक्त फ्यूचर कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ भी करा दें। डॉक्टर NN खन्ना जो कि एडवाइजर हैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर MC मिश्रा हम सब जानते हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं एम्स के, और आज आपकी सलाह जो है वो इस प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा खास होगी। भावना शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और गोविंद हमारे एक और संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, मैं अपने खास मेहमानों का रुख करूं उससे पहले जल्दी से आप बता दीजिए मुंबई में जो गाइडलाइंस हैं वो किस तरह की हैं, किन बातों का ख्याल रखना है आज मुंबई कर को। जी बता दें कि मुंबई में 23 दिसंबर से ही नाइट कर्फ्यू चालू कर दिया गया है। इस दौरान 4 से ज्यादा लोग एक साथ कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते। साथ ही 11 बजे के बाद से ही यहाँ के जो पॉब है, होटल है या सर्वांगीण जो जगह है जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है उन सबको बंद कर दिया जाता है। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, लोग आ जा सकते हैं, लेकिन बता दें कि 5 लोग एक साथ में कहीं भी जमा नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा बता दें कि जो जॉब करने वाले हैं, मॉर्निंग वॉक वाले हैं, वो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। लोगों को बाहर निकलने से मनाही नहीं है, लेकिन एक साथ कहीं भी आप 4 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल गोविंद आप हमारे साथ बने रहें, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर NN खन्ना, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं एहतियात बरतने की, हम बात कर रहे हैं सावधानियों की, और नए खतरे को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसीलिए ये सख्त नियम जो हैं वो न्यू ईयर ईव के मद्देनज़र लागू किए गए हैं, एहतियात बरतने को कहा गया। कितना ज़रूरी है ये कदम उठाना इस वक्त? ये सबसे जरूरी चीज है कि नए साल का स्वागत अपने को बीमार होके ना करें, अपनी कंट्री को और बीमार ना करें। सबसे जरूरी है, चाहे ये वायरस का स्ट्रेन नहीं भी आता फिर भी सबसे जरूरी है, जब तक एक अच्छे मास को वैक्सीनेशन ना हो जाता तब तक वो सारे एहतियात बरतने हैं, वो सारे प्रिकॉशन लेने हैं। जो न्यू ईयर में एकदम दीवाने होके लोग पार्टी मनाते हैं बेहोश होके, वो काम नहीं करना है। और ये न्यू स्ट्रेन जो है इसमें एक ये चीज़ है कि 70-80% ज़्यादा इन्फेक्टिव है, इंडिया में ये ऑलरेडी आ चुका है, तो अब वो सारे वही प्रिकॉशन लेने होंगे। जब नया वायरस आया था पहली बार लास्ट ईयर मार्च में, वो सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लोगों को कॉमन सेंस आ गया है, लोगों को समझ आ गया है ये कैसे बढ़ता है, तो अगर वो प्रिकॉशन लें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और अपने को थोड़ा दूर रखें लोगों से, तो काफ़ी हद तक ये बच जाएगा। और तब तक टाइम दें वैक्सीनेशन का, अब वैक्सीन आने ही वाली है, मेरे ख्याल में कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, तो कुछ महीने बाद इस पे अच्छा कंट्रोल आएगा। अभी आखिरी टाइम है जिस समय लोगों को रियली अपने को एक जागरूक होके, रिस्पॉन्सिबल होके एक परिचय देना है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए।
सरकार इस समय बहुत कर रही है, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। आपको करना है अपने को बचाने के लिए और अपने घर वालों को बचाने के लिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं डॉक्टर खन्ना, और हम बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं कि हम सब एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे भी और इसमें पूरा योगदान देंगे ताकि प्रशासन और सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।